हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम कार वॉश करने वाले हैं और घर में हम कार वॉश करेंगे और मैं मंगाया हूँ एक मशीन और उस मशीन का हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था घर में, गाड़ी रह रहे खड़ा तो उसमें डस्ट लगता था और कहीं भी आ जाओ तो लगता है ना, इसके लिए मेरे घर से मतलब दूर है वॉशिंग सेंटर के, वहाँ जाके वॉशिंग सेंटर में धुलाई हो, थोड़ा दूरी की वजह से। और कुछ घर में अगर टाइम है रहता है, ठीक है, 1 घंटा, तो फिर 5-10 मिनट समय निकाल के धो लिया करो। तो चलिए, कम समय में मैं गाड़ी को थोड़ा धो के दिखाऊंगा। अभी देखिए क्या क्या मैं सामान रखा हूँ। ये देखिए, मेरे पास केवल 11 कंपनी का है, एक पंप है, ठीक है। और इसके साथ मैं मंगाया हूँ एक शैम्पू, ठीक है, और है ये गन मिला है, और ये है एक पाइप, ठीक है। ये जाएगा आपका यहाँ पानी है, इसका टब में डाल लिया हूँ। और इसके साथ मैं है ना, इसमें फोमिंग करने के लिए मिला है फोमिंग बॉटल है वाला, ठीक है। और तो प्रोफेशनल नहीं है, इसी के साथ तो मतलब अटैच करने के लिए मिला हुआ है। और इसके साथ एक एक्सटेंशन रॉड मिला है, देखिए ये वाला, ठीक है, जो गन के साथ लगता है। तो मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगा इस गन के साथ, ठीक है, जो गन है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस गन के साथ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं गन के साथ लगाऊंगा, और नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका धुलाई कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो एक बार और दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों, इसमें दिख गया है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कम और ज़्यादा करने के लिए। अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो इसको बढ़ा दो, कम चाहिए तो कम कर दो। और दोस्तों, ये वाला अच्छे कंपनी का बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं पहली बार इसका यूज कर रहा हूँ। और देखिए, इसमें इनलेट, इसमें लगता है पाइप, और आउटलेट के लिए ये देखिए इधर से गया है, ठीक है। और देखिए, इसका ब्रास चेंबर है, ब्रास चेंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे और डिजाइन में बनाया गया है। तो इसमें लगभग 2200 वाट का पंप है दोस्तों। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं अभी। और ये जो कार खड़ी है, ये थोड़ा सा गंदी है ना, ये डस्ट वगैरह है, यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ बहुत डस्ट है। देखिए, वाइट गाड़ी तो पता नहीं चलता है डस्ट की है कि नहीं है। इधर देखिए, और देखिए बहुत सारा डस्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे डस्ट हैं। मुझे इसको वॉश करना है अभी, ठीक है, और इसको मैं वॉश करने वाला हूँ। और वॉश करके दोस्तों अभी दिखाता हूँ आप लोग को। तो चलिए बने रही वीडियो में हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें अभी कर लेता हूँ, इसमें ये थोड़ा सुंदर, ये देखिए आप दिखा देता हूँ, ये है आपका पानी का पाइप है, इसमें इसको जोड़ना है मुझे, ठीक है, ये पानी है। और इसमें थोड़ा एयर ना आ जाए, ठीक है, इसमें एयर ना आ जाए, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ, ऐसे करके इसमें से, और इसमें डालता हूँ, इसको यहाँ डाल दूँगा। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा कर रहा हूँ, और इसमें देखिए यहाँ से मैं इसको लगा दूँगा, ऐसे करिएगा ना तो खट का आवाज़ आए एक ठो। ये देख लग गया है, यहाँ दिखा दो, यहाँ लगा हुआ, देखिए इनलेट पानी वाला है, इसका हाउसिंग में लगा हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो इसे बुलबुला नहीं चल रहा अभी, इसमें लगता है पानी नहीं भरा है, इसमें मैं पानी डाल लेता हूँ, इस निकल नहीं रहा है एक। तो ये देखिए, इसमें मैं डाल रहा हूँ इसके नीचे, तो जा ही नहीं रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है, लगता है एयर बन रहा है ना, थोड़ा सा एक मिनट इसको भर के आता हूँ इधर को। तो दोस्तों देखिए, इसको ऐसे लगाइएगा तो ऐसे प्रेस करें तो खट का आवाज करेगा, तो इसमें लग चुका है। और मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा से दिखा दूँ इधर, मैं इसको बिजली के सॉकेट पे लगाता हूँ, ठीक, लगा के दिखाता हूँ। ये रहा कनेक्शन यहाँ से, और ये लग चुका है, ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा ये लग चुका है, पानी भी यहीं पास है बगल में। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मशीन को थोड़ा आगे कर देते हैं, नहीं डिस्टेंस में। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पास लगा चुका हूँ, और इसमें लगाऊँ शैम्पू, गन, इधर गाड़ी। तो चलिए इसको मैं रेडी करता हूँ और दिखाता हूँ आपको।
तो दोस्तों ये जो शैम्पू है मैं तो इसमें लगाता हूँ शैम्पू अभी, कितना डालना है मुझे, मैं इसमें एक डिब्बा डाल देता हूँ, लगभग 100 ml इसमें डालता हूँ। ये देखिए इसमें मैं डालता हूँ एक डिब्बा, चला गया हाँ इतना डालेगा, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, नहीं इसमें थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए शैम्पू का क्वालिटी कैसा है, मतलब यूज नहीं किया हूँ, पहली बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे इतना डालता हूँ, ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, ठीक है। और इसमें डालता हूँ मैं पानी डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं इसमें डाल देता हूँ पानी, पानी से डाल दिया हूँ और मैं इसको करता हूँ पैक। इसका कवर इधर इसको मैं कर दिया हूँ फुल एक, मैं अभी जस्ट चालू करने वाला हूँ, देखिए इधर से। और इसको भी रेडी रख रहे हैं ना, यहाँ दिखा दीजिए, इसको मैं रख रहा हूँ रेडी। और ये है आपका फोम, इसमें फोमिंग करेंगे और मुझे हिलाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब क्या है इसका पता नहीं है, इसको रख देता हूँ अभी, ये होते रहेगा। तो दोस्तों मैं करने वाला हूँ इसका यूज अभी, ये देखिए मशीन को करते हुए मैं मशीन को चालू करने वाला हूँ। और देखा ये यहाँ बटन है, ये देखिए चालू हो चुका है मशीन, मैं देख सकते हैं आप लोग, अभी आ रहा है इसमें एयर प्रेशर है। और देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मैं कर रहा हूँ चालू, इसको क्लास कर रहा हूँ, चलो ये देखिए पूरा ड्रेस्ट वगैरह है, ये देखिए यहाँ से कर रहे हैं पूरा स्टार्ट शुरू से, और बढ़िया कर रहे हैं वॉशिंग कम पानी में। ऐसे देखिए ऐसे हिस्सा पूरा विभाग का ड्रेस हो रहा, चलिए उस पार से करते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं इधर ये है रवासिंग ऐसे, और इसमें करते हैं फोमिंग है ना। तो देखिए फोमिंग नहीं हो रहा है, फोमिंग तो क्या ही हो रहा है, झाड़ नहीं दे रहा ना वाला, तो खराब तो नहीं है। ये अच्छा फोमिंग नहीं है, ठीक है, इसको हम हाथ से वाश कर देते हैं, ठीक है। और इसको
इसमें देखिए इसको रगड़ते हैं ऐसे, ये देखिए रगड़ते हैं जैसे, और ये देखिए शैम्पू खराब था, मैं इसका शैम्पू को अभी जस्ट वापस करूंगा आज, इसका फोमिंग अच्छा से नहीं आ रहा है। ठीक, इसको वाश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर में वाश करूंगा, बाकी पानी के थोड़ा ऐसे ऐसे देख सकते हैं। बचा है ना पानी अभी, और ऐसे है ये देखिए ऐसे। तो प्रेशर बढ़ाता हूँ, देखो इधर प्रेशर कहाँ से बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऐसे, चलिए इसका थोड़ा प्रेशर बढ़ाता हूँ, हल्दी हाई प्रेशर किया हूँ। ये देखिए सब प्रेशर बढ़ाया हूँ अभी, देख सकते हैं हम लोग बहुत कम पानी में धोया हूँ इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पास बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा है ना। तो देखिए अभी इसको हम लोग साफ सुथरा ख़त्म कर रहे हैं, देखिए तो देखिए तो देखिए यहाँ से ठीक है घर में पूरा चकाचक, ये देख सकते हैं पूरा पीछे से भी पूरा क्लीन हो गया है। तो गाइस देख सकते हैं यार आपको हो गया है, और मैं थोड़ा सा इसको वॉश करता हूँ, ये देखिए देखिए इतना साफ करता हूँ, तो देखिए इतना प्रेशर है ना कि सब थोड़ा भाग निकल गया है, देखिए साफ हो गया है देखिए। इस तरीके से हम लोग कार को वॉश किए बहुत कम समय में। आप लोग बताइए क्या आप लोग ले सकते हैं इसको, अगर लेना चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए मैं इसको कहीं तक इसको क्लोज करता हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए। मोम वाला था ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ये झाग वगैरह नहीं देता है। तो मैं दूसरा मतलब दोस्तों मैं ये इसको मंगाऊंगा, ठीक है फोम कैनन को, तो देखेंगे कैसा वास करता है। और जो वाटर ड्राफ्ट है दोस्तों, तो वाटर ड्राफ्ट को साफ़ करने के लिए तो दोस्तों ये है मेरा कार को साफ़ करने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और इसमें मैं अपना ग्लास वगैरह ना इसमें साफ़ कर देता हूँ ताकि इसमें जो वाटर ड्राफ्ट है वो ना बने। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें अच्छी तरह से रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं इसको ऐसे किए, और इसमें जान सकते हैं ना। तो मैं तो शैम्पू से नहीं धो पाया हूँ गाड़ी को, तो देख ही सकते हैं आप लोग, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है।
जब शैम्पू से धोएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। विदाउट शैम्पू वाला जो शैम्पू था उसमें काम किया नहीं, तो बिना शैम्पू को मैं धोया हूँ आज, तो इसको साफ़ कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने कार को इजीली घर में वॉश कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कम समय पर। और आप लोग को कैसा लगा बताइए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको ले सकते हैं, ओके। तो दोस्तों अभी मैं मेरा कार के जो मैट है, ये मैट भी गंदा हो गया है, तो इसको विदाउट शैम्पू विदाउट साबुन या भी विदाउट सोप बोल सकते हैं, और उससे इसको वॉश करूँगा इसी प्रेशर से, और देखते हैं कितना डस्ट निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कितना डस्ट निकलता है और कितना गंदगी साफ होता है इसका। तो चलिए बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हो यार, अभी मैं इसको देखिए कितना प्रेशर इसे साफ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। इतना हाई स्पीड से साफ होता कि मत पूछो इसको, ये देखिए पूरा ड्रेस साफ कर दिया इसका। और ये देख सकते हैं पूरा समय दिख गया इतना प्रेशर से, देखिए पूरा ड्रेस निकल गया इसका, ये देख सकते हैं आप लोग जैसे पूरा ड्रेस निकल गया है। और आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छा है वाला, ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी का भी बेहतर रिजल्ट है, देख सकते हैं क्लीन हो गया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी एकदम अच्छी लग रही है अभी, ठीक है। और मैं तो इसको धो चुका हूँ, और धोने के बाद कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे। और ये देखिए पहले तो बहुत गंदा दिख रही थी, लेकिन अब कुछ बेहतर रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अंदर का, और ये देखिए मतलब इसको क्लीन कर दिया हूँ डैशबोर्ड को। तो माइक्रो फाइबर क्लास से दोस्तों डैशबोर्ड का थोड़ा सा साफ कर देते हैं ऐसे, और ग्लास वगैरह को, ताकि एकदम क्लीन रहे गाड़ी, ठीक है। ये देख सकते हैं क्लीन है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा यार ये वाला। और आप लोग बताओ, और काफ़ी गर्मी है आज गर्मी के दिन में, ठीक है, और मज़ा नहीं आ रहा है आज, फिर भी मैं गर्मी में एकदम परेशान हो रहा था कार, क्योंकि गंदा तो गर्मी में भी होता है ना, ठंडी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, और बरसात में भी होता है। ये देख सकते हैं इसको भी मेरे पास मतलब अंदर कुछ हल्का हल्का मतलब डस्ट तो नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका गाड़ी में कोई ज़्यादा डस्ट वगैरह घुसा हुआ है, तो आप इसके लिए चाहिए वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर का देखिए यहाँ पास थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल दोस्तों वॉशिंग में ठीक ही रहता है। आप लोग बताइए, एक तरीके से पूरा व्यू एंगल आपको दिखा देता हूँ इधर से, और बढ़िया लग रहा है। और बाकी को हर चीज़ को मतलब मैं साफ़ करने का प्रयास किया हूँ हल्का हल्का, और ये बहुत जल्दी हो गया पता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पानी मिला लिया हूँ, और इसको ऐसे क्लीन कर दिया इसके ग्लास को, ठीक है। तो एकदम साफ़ हो चुका है, और मुझे वाटर ड्रॉप इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रो फाइबर क्लास में इसको साफ़ किया हूँ। तो माइक्रो फाइबर क्लास आप लोग ज़रूर मंगा लीजिए अगर गाड़ी वगैरह आपके पास है तो, क्योंकि इसमें आपका ग्लास वगैरह ना साफ़ हो जाएगा बिल्कुल भी, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा वाटर ड्रॉप, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का मंगाइएगा तभी आपका साफ़ होगा, नहीं तो नहीं, नॉर्मल कपड़ा से साफ़ होगा ही नहीं। और दोस्तों मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइए। और हल्का हल्का अभी हवा चल रहा है तो वो डस्ट लग गया है। तो चलिए इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ, और मेरा जो सामान वगैरह है इसको रखता हूँ अपने घर में। तो ये रहा दोस्तों इसका सेटअप वगैरह, और आप लोग बताइए कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।